सो गाइस भाई आपका कांटेक्ट। सो भाई रात के बज चुके हैं 12:25। नींद तो दर्द के बिस्तर पे आए। सो गाइस अभी यहाँ से आ रहे हैं हम टेंट के अंदर और काफी ठंड है बाहर और नीचे अपने मेरे पैर धुलवाए हैं और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे नीचे। नीचे नहीं जा रहे शायद, जल्दी जल्दी बोल दिया। नीचे का नजारा देखो और ये हमारा टेंट, चलते हैं टेंट में। बाकी दिखाते हैं इस टेंट, देख सकते हो हमारा अपना टेंट भी दिखाया मैंने आप लोगों को। जब सारे भाई लोग आते हैं एक बार मिलवाते हैं अपने मेंबर से, क्या पता इस टेंट में कुछ ऐसा हो जाए कि कॉलेज जाके भी कुछ ऐसा हो जाए। चलो फिलहाल स्लीपिंग बैग में एडजस्ट होते हैं पहले और हवाएं देखो गाइज, टेंट उड़ रहा है और भाई लोग आ चुके हैं टेंट में और मानिक और दानिश भी आ चुके हैं अपने टेंट से यहाँ पे। तो बाकी देख सकते हो यहाँ पर सब बैठे हुए एंड गाइज आरसीबी और एलएसजी का बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है यहाँ पर, वो देख रहे हैं भाई लोग सब पीछे भी। और यहाँ पर आरसीबी फैन है साजन भाई। साजन भाई इस बाउंड्री के बाद कुछ टिप्पणी? आरसीबी विल विन कह रहे हैं भाई, काफी रोमांचक और रोमांचक मैच हो रहा है और काफी अग्रेसिव मैच हो रहा है, काफी आरसीबी का फेवरेट मैच है बट फिर भी रोमांच किस्मत आरसीबी के साथ नहीं है। अभी का सीन ऐसा है कि ये स्पीकर है और ये दूसरे फोन में हमने लगाई चुड़ैल वाली आवाज और हम जा रहे हैं सारे टेंट्स के पास और सबको हम डराएंगे अभी रात को, दिखाते हैं क्या होगा। तो ये वाला बूट कैंप। सो गाइस बाहर का नजारा देखो आप इस समय कितना डेडली है और हम जा रहे हैं इसमें बच्चों को डरा रहे चुड़ैले बन के। चुड़ैल नंबर एक, आप सुन सकते हो बाहर आवाज देखो। तो गाइस देखो क्या सीन चल रहा है। और सिविल डिपार्टमेंट के बॉयज देखो यहाँ पे शरेआम सुन रहे हैं भाई, रात के बज चुके हैं 12:25 और हम इस समय हैं बाहर। तो मेरे साथ वेद है, वेद भाई चल जे। चलो भैया सो लेट्स हैव सम कहानी कौन सुना रहा है? बटावा की कहानी सुना रहे हैं। मैं और मृदुल अब जा रहे हैं स्टैंड से। सो गाइस कैसा चल रही है ट्रिप, बूट कैंप मजा आ रहा है? सो थ्री चीयर्स फॉर माइट हिप 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 हिप। अभी सबका मतलब एनर्जी लेवल लो है तो भी हुर्रे भी आराम से निकल रहा है। सो गाइस यहाँ से नज़ारा देख सकते हो इस समय रात के 1 बजे, क्या प्यारा सा नज़ारा आ रहा है गाइस चुंबेश्वर। सो गाइस वो देख सकते हो सामने कितना प्यारा लग रहा है, ये रडार है एयरफोर्स का नथा टॉप में और काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। और सलमान सर भी जगे हुए हैं अभी तक, सर नींद नहीं आई? नींद तो दर्द के बिस्तर पे आए रात को इतनी कुड़ुकियां मारी है ना, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स आल्सो। कुड़ुकियां मार मार के पता नहीं भाई मैं सोता ही नहीं हूँ, मुझे नींद आती नहीं है घर पे तो 3-4 बजे तक सोता नहीं हूँ।
लगता है, वो सबूत भी है। 12 बजे ही गुल हो गया था यहाँ पे, थक गया था भाई। और ठंड जो है ना गाइस बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे वॉशरूम जाना है, समझ नहीं आ रही कैसे जाऊँ। मगर वो देख सकते हो आप सामने सारे कुकियां मार रही भाई। मृदुल भाई, मृदुल गुड मॉर्निंग भाई साहब, सुबह हो चुकी है एंड व्यू चेक आउट करो, वो आने की कसम ठंड इतनी है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। और फिर से जा रहे हैं बस वॉशरूम में, तो वॉशरूम करके अभी बस मैंने जैकेट वगैरह भी निकाली वापस, चलते हैं अभी आगे। तो सुबह सुबह उठ के ट्रैक होता है, पर आज देखो कोई उठा ही नहीं है। आगे 5 बजे उठ के ना बच्चे सब यहाँ बैठते हैं बाहर, जिम वाले यहाँ पुशअप वगैरह मार रहे होते हैं। आज किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी है, रात को बारिश हुई और ठंड इतनी है ना गाइस बता नहीं सकता मैं। और नीचे का नज़ारा देखो, पहले मैं जाता हूँ बाथरूम में, बाथरूम फ्रेश वगैरह होते हैं थोड़ा, उसके बाद अब से मिलते हैं फिर नज़ारे दिखाते हैं। हाँ भाई आ रहे मजे, रात को बड़ी आवाज़ें निकाल रहा भाई तू, तेरे डंडे में आया मैं, तेरी आवाज़ तूने बाँचे। हाँ कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा। और गाइस व्यू चेक आउट करो, एक नंबर व्यू आ रहा गाइस, और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, चेक आउट मारो गाइस, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। हमसे ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है और नीचे प्यारे प्यारे बिल्डिंग्स, अमेजिंग। सो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, 3 बजे सोया है रात को। गुड मॉर्निंग गाइस, भैया मैं भी इनके साथ ही था, मैं भी यहाँ से गया हूँ 3:30 बजे, ये उसके बाद भी लेट सोया है। सो गाइस चलते हैं यहाँ से, ठीक है दित्ते भाई रेस्ट करो अब थोड़ी इधर। सो गाइस ट्रैक वगैरह तो भी है नहीं कुछ, सर भी नहीं मिल रहा यहाँ पे, सलमान सर भी सोए होंगे अभी, तो चलते हैं हम वापस रूम में। बाकी गाइस तो कितने प्यारे लग रहे हैं, अपने सभी टेंट्स लगे हुए और नज़ारा चेकआउट करो, एक नंबर गाइस। अभी ठंड काफ़ी है नहीं तो मैं आपको आगे भी ले चलता ग्राउंड वाली तरफ, और ये मैसे ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह हो रही होगी अभी, और चेकआउट करो रात इसके आगे वाला टेंट है। तो चलते हैं टेंट के अंदर, देखते हैं और कोई उठा भी है नहीं। सो गाइस ठंड काफ़ी है यहाँ पर, सो तभी टोपी वगैरह लगाई है मैंने, ऐसे मैं यूजली लगाता नहीं हूँ। तो चलते हैं मिलते हैं आपसे। और गाइस ये आ चुका अपना टेंट, हाँ भाई